नमस्कार दोस्तों, मैं सरज जैन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कोडिंग विशरण में। और आज के हमारे टॉपिक में है जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर, जिसमें होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और साइन ऑपरेटर। तो सारे ऑपरेटर की मैं वीडियोज अलग अलग बनाने वाला हूँ ताकि सारी चीज़ें मेरी हौसपोस ना हो। तो आज के टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में आप किस तरह से दो नंबरों को ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं। और इसी के बेस पर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट भी इसमें हैंडल करेंगे बाय द प्रॉम्प्ट, क्योंकि अभी हम लोगों ने फंक्शन सीखा नहीं है। तो जिस दिन हम लोग फंक्शन पे आएंगे उस दिन हम लोग ये सारी चीज़ें एक फॉर्म बना के और उसके थ्रू डेवलप करना सीखेंगे, मीन्स पूरा क्लाइंट साइड होगा वो हमारा। तो सिर्फ प्रॉम्प्ट की सहायता से हम लोग देखेंगे कि प्रॉम्प्ट मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसी की सहायता से हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट टू वैल्यूज एंड हाउ टू क्रिएट अ मार्कशीट विद प्रॉम्प्ट विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे अपना। और वीडियोस मेरी थोड़ी लेट लेट आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसके चलते। तो टाइटल हम लोग दे देते हैं इसके अंदर में आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर ही, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने जा रहे थे अपना, कोई ज़्यादा बर्डन ले लीजिए नहीं आपको। और किसी के भी कोडिंग से अगर डर लगता हो तो वो मुझे कमेंट या मेल करके आसानी से बता सकता है, तो मैं उसकी कोडिंग का जितना भी डर होगा वो दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें नॉर्मल अगर हम लोग बात करें सिंपल से, दो नंबरों को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ले सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें डालू 2+2, सिंपल सा। अगर हम लोग देखें अपना आउटपुट तो आंसर आ रहा है हमारा 4। राइट, यहीं से हम लोग उसे माइनस कर सकते हैं सिंपल सा, देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और इसके हम लोग कुछ परसेंटेज वगैरह भी निकाल सकते हैं। सॉरी, 2 × 100 डिवाइड बाय 2 आपका इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं अपना कि इसे हम लोग नॉर्मली इसको मैनली यूज कैसे करेंगे। तो मान चलिए कि भाई हमने बोला आपसे कि वेयर मेरे पास में है कुछ हिंदी के मार्क्स जिसमें है आए हैं 34, वेयर इंग्लिश के मार्क्स जिसमें आए हैं आपके 40। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो वेयर टोटल बराबर आपका हिंदी प्लस इंग्लिश। तो मैं इसको बिल्कुल ओपनली समझा रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंपल सा टोटल आपका, ये देखिए 74। और यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, दिस इज ए टोटल ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश प्लस लगा के, और इसमें के NVSV को 10 दे दीजिए प्लस आपका, ये देखिए। ठीक है, चलिए अगला अगर हम लोग देखें इसके अंदर में कि भाई अगर मुझे इसका कुछ माइनस करना था तो हम लोग कैसे कर सकते हैं अपना। तो मान चलिए भाई आपकी कुछ सैलरी थी 34,000 रुपये और आपने कुछ एडवांस लिया था कितना 12,300 रुपये, तब आपको दिखाना है कि आपको कितना पे करना है। तो वह टोटल में डाल सकते हैं यहाँ पे सैलरी माइनस एडवांस, तो डॉक्यूमेंट और ट्राइट में डालेंगे आपका योर टोटल सैलरी इज टोटल, देखिए 21,700 सिंपल सा। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो यहाँ से अब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक आइडियाज अराइज होना चालू हो जाएंगे कि हम इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी निकलेगी, और जितना आप इससे डरेंगे उतना ही आपको डर आएगी। तो डिपेंड आपको करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है या डरना है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई की बात करें यहाँ पे अपना कि भाई मान चलिए कि मेरे पास एक रेट है, एक आइटम है मेरे पास में, एक रेट है आइटम का जिसका जो रेट है वो है मेरे पास 1200 रुपये, और मेरे पास की उसकी एक क्वांटिटी भी है, तो क्वांटिटी है उसकी कितनी 5। तो मुझे पता करना है इसका टोटल कितना बनने वाला है, तो हम डालेंगे यहाँ पे वेयर टोटल बराबर आपका रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी सिंपल सा, और डॉक्यूमेंट ऑफ राइट हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सिंपल सा, योर टोटल अमाउंट इज प्लस टोटल आपका
देखिए 6000 अपना 12×5=60 सिंपल सा। अब बात करें अगर हम लोग अपने एक डिवाइड की तो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन, हो गया माइनस, हो गया सब्ट्रैक्ट बोलते से हम लोग, ये मॉड्यूल सुमर है या मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, हमारी एक ट्रिप थी, ट्रिप की कॉस्ट थी हमारी एक, वो कॉस्ट कितनी थी आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं अपने हिसाब से एग्जांपल बना रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट थी हमारी 56000 रुपये और हमारे पास में कुछ मेंबर थे, वो मेंबर थे मेरे पास में कितने 15। अब मुझे ये पता करना है कि पर मेंबर कितना कंट्रीब्यूट हुआ हमारा, तो वह टोटल में आप डालिए यहाँ पे आपकी जो ट्रिप कॉस्ट है मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय आपकी मेंबर, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेंबर वहाँ पर डाल चेक करते हैं ना टोटल देना। मैथ मेरी भी थोड़ी सी वीक ही है, नहीं आया आपका ना ये टोटल ट्रिप कॉस्ट प्लस मेंबर की स्पेलिंग गलत है मेरी, सॉरी 37000, नहीं 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 ये तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा, इसके लिए कुछ दूसरा करना पड़ेगा, एक मिनट, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड हमारा इधर हो जाएगा, आई थिंक यही है हमारा 8400। तो अगर हम लोग यहाँ पे काम करके इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, इसकी जरा हम लोग टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अपना, कि भैया डॉक्यूमेंट राइट आपका 8400 मल्टीप्लाई 15 देख लेते क्या आंसर आ रहा है हमारा, 126000, ये तो गड़बड़ आ रहा है हमारा, 56000 आना चाहिए हमारा कायदे से, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसको मैं एक काम करता हूँ सीधा सीधा, हमें डिवाइड नहीं करना है ना इसका, तो इसको हम लोग डिवाइड बाय कर देते सीधा सीधा, डिवाइड बाय आपका मेंबर 3733 रुपये, ये आई थिंक मेरे ख्याल सही होगा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें ना वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पास का वो फंक्शन चलता है आपका, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट रहेगा आपका डिवाइड आपका। ठीक है दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग राइट कितने हमारा 3733 कितना रहा है हमारा 55995, मतलब सही हमारा 56000 के अप्रॉक्स है हमारा। चलिए इसको उठाते हैं हम लोग अपना, तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू के चेक कर सकते हो अपना। दूसरे अगर हम लोग बात करें परसेंटेज निकालने की अपनी, भाई हम लोग का परसेंटेज का फॉर्मूला था, सॉरी जो हमने बता रहा था आपको, तो वैर जैसे हमने बोला आपकी सैलरी है कितनी है 34000 रुपये सॉरी, हमने बोला भाई आपको टी ए मिल रहा है कितना 12%, तो हमने बोला भाई आपको टोटल कितना हुआ आपको, तो हमने वैर टोटल में डाला आपका सैलरी मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 आपका, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डालेंगे टोटल अपना, चेक करते जरा इसका, तो अगर हम लोग 12 से सबसे ज़्यादा आए तो हमारा ये बनेगा इतना हमारा, ठीक है हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, 12×48 40000 उसकी सैलरी होती है मान के चलिए, तो 12×48 के हिसाब से इसका 480 बैठना चाहिए मतलब, ठीक है हमारा ये ओके है। ठीक है तो ये थे हमारे सिंपल से चार ऑपरेटर, अब इसके वजह से मैं क्या बना सकता हूँ वो देखते हैं। चलिए हम लोग अपना, हम लोग इसमें दो चीज़ बना के देखते हैं अपना, पहला एक मार्कशीट और दूसरा एक इनवॉइस बिल, ठीक है दो बना के देखते हैं हम लोग अपना। चलिए मैंने कहा था ना विद एग्जाम्पल, तो विद एग्जाम्पल ही बनाते हैं हम लोग अपना, पहला बना के देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी मार्कशीट आपकी, टाइटल में अभी हमारा मार्कशीट, सॉरी बॉडी यहाँ क्लोज करते हैं हम लोग अपनी, और एक काम करते हैं इसके अंदर मार्कशीट का जो डेटा है वो हम लोग टेबल में के फॉर्म में प्रिंट करा लेते हैं, टेबल बॉर्डर वन, अरे आजा भाई विड्थ 50% अलाइन सेंटर, तो मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे वो देख लेते हैं हम लोग, हम लोगों को चाहिए यहाँ पे एक, यहाँ पे हम लोग लेते हैं रोल नंबर भी प्रिंट करा लेते हैं, इसके नाम बंदे का क्या है, उसके बाद इसके हिंदी में मार्क्स कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, हिस्ट्री में कितने हैं,
ओके। और इसके बाद हमारा टी एच में हम लोग ले लेते हैं इसको टोटल परसेंटेज, बस परसेंटेज तक ग्रेड हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग लॉजिक और कंडीशन ऑपरेटर यूज करेंगे। टी आर में टी डी आर में क्या क्या चाहिए अपना, एंड एन बी एस पी डाल दो फिलहाल अभी इसके अंदर में तो कितने हैं वो चेक कर लेते हैं हम लोग अपना। तो रोल नंबर हो जाएगा हमारा नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, टोटल परसेंटेज। तो इसको एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी जरा क्या है आउटपुट पूरा हमारा। ठीक है तो हमारा पूरा ही आ रहा है इसमें, वैसे हमें आउटपुट देना है इसके अंदर भी अपना। तो देखिए प्रॉम्प्ट की सहायता से हम लोग इसे वैल्यू किस तरह से इंसर्ट कराएंगे। तो स्क्रिप्ट डालते हैं यहाँ से, स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज करिए और वेयर रोल बराबर आपका प्रॉम्प्ट, एंटर योर रोल नंबर, वेयर रोल नंबर हो गया हमारा, वेयर नेम, नेम का वेरिएबल मत बनाना क्योंकि हमारा एक प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड है आपका जावास्क्रिप्ट तो वो वर्क नहीं करेगा। तो नेम वन डाल देते हैं अपना प्रॉम्प्ट, एंटर योर नेम। तो हम लोग सिर्फ आज इसमें ये एक ही चीज़ बनाएंगे, बाकी आप अपना ट्राई करके देखेंगे इनवॉइस अगर अपना, तो फॉर्मेट मैं आपको समझा दूंगा तो आप उसको बना के देखिएगा। नहीं आपसे बन पाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर बन जाता है तो मेरी मेल आईडी पर से जरूर भेजें अपना, तो मुझे लगे कि आप लोग देख के इसका कोई बेनिफिट भी आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका। तो वेर हिंदी बराबर, अच्छा एक ध्यान में रखें अपना कि जो हम लोग प्रॉम्प्ट बनाते हैं, मैंने आपको बताया था अलर्ट और इनपुट बॉक्स से बनता है, इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू जाती है वो एज अ स्ट्रिंग काउंट होती है आपकी, मीन्स एक वर्ड की तरह उसमें बिहेव करता है वो आपका। तो हम चाहते हैं उसके अंदर में जो वैल्यूज आए वो एज अ इंटीजर काउंट हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा पार्से इंट, देन प्रॉम्प्ट आपका प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर डालेंगे अपना एंटर हिंदी मार्क्स। इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हिंदी ले लो यहाँ से, इंग्लिश ले लो, मैथ, साइंस और हिस्ट्री, आपके पांच सब्जेक्ट हो गए मेरे इसमें। अच्छा एस टी कर देता हूँ, चलो सर तीन एक दो पाँच हो गए ठीक है। इंटर हिंदी, इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश इधर है हमारा, इंग्लिश, मैथ, ये जगह हमारा साइंस, यहाँ पे कर दीजिए अपना हिस्ट्री। तो प्रॉम्प्ट आपको उसी के लिए बनाना है जिसके थ्रू आपको कुछ चीज़ें गेट करवानी है अपनी, बाकी हम लोग नॉर्मल वेरिएबल में इसे टोटल के लिए बना दूंगा यहाँ पे, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री, हिस्ट्री अपना परसेंटेज बराबर आपका जो भी टोटल है उसे डिवाइड करता हूँ पास से, क्योंकि टोटल हमारे पास पाँच सब्जेक्ट है। तो अभी काम करते हैं इनको रिटर्न कराना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेर एक्स में हम लोग स्टोर कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, टैग का नाम हमारा टी डी है, टी डी स्मॉल में हमारा एक्स जीरो। तो पहले में जो हमें रिटर्न करवाना है डॉट इनर एस्टीमेट के थ्रू वो करवाना है आपको क्या रोल नंबर यहाँ से, तो रोल नंबर हो जाएगा हमारा नेम वन। इसके बाद आ जाएगा आपका भाई हिंदी, इंग्लिश, मीन्स में जो वेरिएबल उठा रहा हूँ मैं यहाँ से सारा उठा रहा हूँ आपका, तो कन्फ्यूज मत होना इसके लिए। इसके बाद है हमारा भाई इसमें मैथ, और एक है जिसमें हमारा सी एन, और एक है हमारा एच एस टी, और इसके बाद है जी हमारा टोटल, और फिर है जी हमारा इसमें परसेंटेज। चलिए इसको चेक करते हैं, जीरो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टेस्टिंग करते हैं इसकी अपनी जगह मतलब। सो बीस नाम मैं अपने डाल देता हूँ, शरद जैन, हिंदी मेरे
कभी इसमें अच्छे नंबर आए नहीं है, जैसे भी नंबर डालने का जाता है अपना। ये देखिए परफेक्ट बन गया हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो हम चाहते हैं कि जो 76.2 आ रहा है इसमें हमारा परसेंटेज का साइन भी आ जाए, तो आप इसमें काम करें प्लस का टैग लगाइए और इसमें परसेंटेज इस तरह से कर दीजिए अपना 120। तुषार सिंह बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, इसके नंबर अच्छे आते हैं मेरे ख्याल से। बढ़िया डाल देता हूँ उसके नंबर में। ये देखिए 84.2% आपका। तो ये थे हमारा सिंपल से ऑपरेटर्स जिसके थ्रू हम लोगों ने एक मार्कशीट बनानी सीखी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं अपना, मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट देता हूँ, उसे आप हैंडल करिएगा, बनाने की कोशिश करना, ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपके पास सेंड कर दूंगा, मीन्स अपलोड कर दूंगा। तो आपको क्या बनाना है, सिंपल सा आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा एक इनवॉइस बिल के लिए, ठीक है। उनसे आपको कैसे क्लियर करना समझे कि आपको जो प्रॉम्प्ट में बनाना है, प्रॉम्प्ट वाला एरिया हमारा ये होगा जिसमें हमें इनवॉइस नंबर डालने का मौका मिलना चाहिए, आइटम का और कस्टमर का नाम, उसके बाद आपका आइटम नेम, उसके बाद उसकी क्वांटिटी, उसके बाद उसका टोटल, सॉरी रेट, रेट के बाद उसका हो जाएगा भाई रेट चाहिए हमें यहाँ पे अपना, वो क्या क्या डालेगा अपना, और एक अपना डिस्काउंट का डालेगा वो अपना, ठीक है ना। और उसके यहाँ पे मिलना क्या क्या चाहिए जब उसको रिटर्न होके आएगा, मतलब जो आपको टेबल में उसको शो कराना है आपको। तो इनवॉइस नंबर वो एक मिनट में जो यहाँ से इनवॉइस नंबर भी चाहिए उसे, कस्टमर का नाम आ जाना चाहिए उसका, आइटम का नाम आ जाना चाहिए, क्वांटिटी आ जानी चाहिए उसकी, रेट आ जाना चाहिए, टोटल आ जाना चाहिए, डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, और उसके डिस्काउंट की वैल्यू कितनी बनी है वो, तो फिर यहाँ पर उसका एक नेट अमाउंट देखिए अपना। तो उसको करना कैसे मैं समझा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से डेटा आना चाहिए आपका, यहाँ तक तो मेरा चल जाएगा आपका कहाँ तक, क्वांटिटी तक, रेट तक चल जाएगा हमारा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यहाँ से वेरिएबल बनने स्टार्ट होंगे, आपको ये मल्टीप्लिकेशन आपको ये करनी है, इसमें आपको निकल जाएगा टोटल, और डिस्काउंट आप दे रहे हो उसमें तो मल्टीप्लाई गड़बड़ जाएगा, यहाँ पर ले लो सकते ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड बाई सो आपका। इसके बाद जो नेट अमाउंट हमारा होगा, तो मैं इसमें आपको टेस्टिंग करा देता हूँ पहले अपना, इनवॉइस नंबर मान के चलो मैंने डाला 120 वो भी जाएगा, कस्टमर का नाम राजीव, एसी क्वांटिटी 4, रेट 23,000 रुपये, या गया टोटल हमारा, डिस्काउंट दे रहा हूँ इसको 5% का। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको ये गेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वैल्यू आपके लिए, अरे आ जाओ भाई इस तरह से आपका, ये देखिए या गया इसका 5%। अब बस अब इसमें क्या करना है, ये इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग इसको अपना, इसको अपना सिंपल से। तो एक ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इससे आप लोग बना के देखेंगे कि जब मैं प्रॉम्प्ट के लिए मेरे से ये चीज़ रिक्वायरमेंट करेगा, जब वो टेबल में जो आउटपुट आएगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो इसे आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए और अपनी ईमेल आईडी वगैरह मुझे मेरे लिए छोड़ दीजिए, ताकि मैं आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपके पास में भेज भी सकूँगा आपका, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा एक सैलरी स्लिप का भी, लेकिन वो आप लोग बाद में करेंगे, फिलहाल आप उसको मुझे बना के भेजिए अपना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और हाँ वीडियो अगर आपको लाइक अच्छी लगे, जल्द से अच्छी लगे, तो इसको शेयर और लाइक करना, अदरवाइज छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग सीखते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।